हाय एवरीवन, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हमने देखा था एक मीटर का मेट्रिक कन्वर्जन देखा था। उसके बाद हमने फिर माइल, फिट, इंचेस, यार्ड, इसका कन्वर्जन देखा था। तो बेसिक हमने वहाँ पर जो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके स्केल चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमने वहाँ पर देख लिया था। उसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, और जो वो लेक्चर नहीं देखे होंगे वो लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद ही हम लोग आगे स्केल का जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आज हम लोग पहले स्केल का टाइप देख लेते हैं, और उसके बाद फिर दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं, और डिफिनेशन के बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्लेन स्केल का प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्लेन स्केल, फिर डायगोनल स्केल, फिर हमारा ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप का होता है। टाइप तो ऐसे 3 to 4 टाइप्स ज़्यादा होता है, जैसे कि प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियल स्केल होता है, बट हमें जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो प्लेन और डायगोनल ही पढ़ना है। तो हम लोग दो ही देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देख लेते हैं प्लेन स्केल, सेकेंड होता है डायगोनल स्केल। तो दो टाइप का स्केल आपके सिलेबस में पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन पहले वाले जो पुराने सिलेबस थे उसमें भी आते थे, आपके सिलेबस में भी दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और मैं रहता है क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा प्लेन स्केल का होगा, उसी में और करके दे देगा, सेकंड डायगोनल स्केल का क्वेश्चन दे देगा। तो क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर से देखेंगे, आज हम लोग देख लेते हैं प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन मैं लिख कर दे देता हूँ, ताकि आप उसको अगर नोट करना चाहें, मेमोराइज करना चाहें, तो आप मेमोराइज कर लें। तो मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन करके पहले आपको फिर समझा देता हूँ। तो हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो आपको प्लेन स्केल जब आप देखोगे, जब इसका क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको नजर आएगा वहाँ पर प्लेन स्केल एक तरह का स्केल होता है जो रिप्रेजेंट करता है आइदर टू यूनिट को और वन यूनिट और इट्स फ्रैक्शन को और इट्स सब डिवीजन को। कहने का मतलब क्या है, वैसा स्केल जो दो यूनिट को रिप्रेजेंट करे, मतलब जिसमें हम लोग दो यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कल हमने यूनिट का कन्वर्जन बताया था, तो हमने देखा था बहुत सारा यूनिट देखा था, बट उसमें दो कंजुकेटिव यूनिट होगा। जैसे कि आपको सेंटीमीटर है, तो उसके बाद मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर आइदर होगा, दो यूनिट होना चाहिए। वैसा स्केल जिसमें दो यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर सेंटीमीटर, इस टाइप से जो स्केल को, जो स्केल होता है जो दो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वन यूनिट और उसके सब यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम प्लेन स्केल बोलते हैं। तो समझा देता हूँ, पहले वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट आइदर टू यूनिट्स और वन यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन, दो यूनिट को रिप्रेजेंट करे या फिर वन यूनिट और इसका सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब हम लोग एक स्केल बनाते हैं वहाँ पर, मान लीजिए कैसा स्केल बनेगा, स्केल बनने के बाद वहाँ पर हम लोग दो यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इसमें यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अपने पास स्केल होता है उसमें हम लोग यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से मान लीजिए कि एक तरफ हमने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया, तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर प्लेन स्केल में मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, देकर समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा रहा तो वैसा स्केल जो दो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। तो वैसा स्केल दो यूनिट को रिप्रेजेंट करता हो या फिर वन यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करता हो, कहने का मतलब मान लीजिए कि 5.4 सेंटीमीटर cm, तो cm हो गया, तो 5 क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, और उसका सब डिवीज़न मतलब 0.4 हो गया, कुछ फ्रैक्शन में है वहाँ पर। तो वैसा स्केल जो या तो डायरेक्टली दो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर मीटर एंड 4 मिलीमीटर, कहने का मतलब वही हो गया, 4 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर मतलब दो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वन यूनिट को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट एक उसमें सब उसमें फ्रैक्शन में भी होगा, मतलब एक डेसिमल के एक पॉइंट तक उसमें फ्रैक्शन में होगा, मतलब डेसिमल में होगा, डेसिमल के वन पॉइंट तक। 5.4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 यार्ड 2 फिट। यहाँ पर भी क्या हुआ, दो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा स्केल जो रिप्रेजेंट करे दो यूनिट को या फिर वन यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन को, वन यार्ड एंड टू फीट को रिप्रेजेंट करे, इस टाइप से जो स्केल होगा वो हमारा प्लेन स्केल कहलाता है। इसमें मैक्सिमम हम लोग दो ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक यूनिट या उसके सब डिवीजन उसके कुछ पॉइंट में दशमलव के एक पॉइंट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे एग्जांपल में ये भी हो सकता है 2.5 किलोमीटर
तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 किलोमीटर है। अगर इसको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 किलोमीटर इंटू 5, यहाँ पर इंटू नहीं और 5 हेक्टोमीटर HM, तो या तो डायरेक्टली हम 2.5 किलोमीटर में लिख सकते हैं, मतलब 1 यूनिट हुआ और उसका सब डिवीज़न हो गया डेसिमल के 1 पॉइंट तक, या फिर डायरेक्टली 2 यूनिट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस स्केल को हम लोग बोलते हैं प्लेन स्केल। अब डायगोनल स्केल की तरफ देख लेते हैं, आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अगर और ज़्यादा क्लियरिटी आप देखना चाहेंगे तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्केल हम लोग बनाना शुरू करेंगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 यूनिट को, क्वेश्चन में कौन सा यूनिट दिया रहेगा, कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर सेंटीमीटर मिलीमीटर में एग्जांपल लिया हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट होता है, मतलब लगातार का 2 यूनिट होता है, जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो जो 2 लगातार यूनिट होता है जैसे कि किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, तो या तो ये दोनों होगा, या हेक्टो के बाद हमने डेका पढ़ा था हेक्टो डेका हो सकता है, डेका के बाद मीटर पढ़ा था तो डेका मीटर हो सकता है, मीटर के बाद फिर हमने डेसी पढ़ा था तो मीटर डेसी हो सकता है। तो इस टाइप से 2 कंसेक्यूटिव यूनिट हो सकता है, तो वैसा स्केल को हम लोग प्लेन स्केल बोलते हैं। अब हमारा आता है सेकंड डायगोनल स्केल, तो इसमें हम लोग 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही लिखा हुआ, इट रिप्रेजेंट्स आइदर 3 यूनिट्स एंड ओनली वन यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस और डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर और हो जाएगा, और इट रिप्रेजेंट आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। या तो ये 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा आजकल जो रिप्रेजेंट करे 3 यूनिट को, या 1 यूनिट और उसके सब डिवीजन को या फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तक डेसिमल का रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर सेकंड पॉइंट तक रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं 4.65 किलोमीटर हो गया, तो किलोमीटर ही है बट यहाँ पर डेसिमल के 2 पॉइंट तक हो रहा है, या फिर उसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर। तो यहाँ पर 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके सब डिवीजन को उसके फ्रैक्शन में डेसिमल के 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस स्केल को हम लोग बोल देंगे डायगोनल स्केल। तो आपको ध्यान में रखना है प्लेन स्केल हमेशा 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और डायगोनल स्केल 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अगर फ्रैक्शन में बात करेगा तो प्लेन स्केल डेसिमल के 1 पॉइंट तक रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक फ्रैक्शन एक सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लेन स्केल 2 सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक रिप्रेजेंट वो करेगा, तो वो हमारा डायगोनल स्केल हो जाएगा, और प्लेन स्केल डेसिमल के 1 पॉइंट तक करेगा तो प्लेन स्केल हो जाएगा। तो कभी कभी एक ही यूनिट में अलग अलग भी दे देता है, हम लोग आगे स्केल पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन होता है वहाँ पर, बट बेसिक जो है वो यही है, बेसिक जो है यही है, बस आपको ध्यान रखना है कंसेक्यूटिव यूनिट होता है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि 435 मीटर, तो यहाँ पर भी इसको बोल देगा डायगोनल स्केल में बनाइए, तो यहाँ पर क्या है डेसिमल तो नहीं है बट यहाँ पर क्या है 3 पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, तो 435 है, तो जब हम लोग स्केल पढ़ेंगे डायगोनल स्केल तो वहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा जहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन नज़र आता है, एक ही यूनिट में कंसेक्यूटिव आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ 400 है फिर 30 है और फिर 5 है, तो 400 थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद 10 वाला एलिमेंट हो गया, उसके बाद यूनिट वाला हो गया, तो ये 100 वाला हो गया, 100 प्लेस वाला, ये यूनिट 10 टाइम वाला, ये हो गया 5 वाला, तो ये भी आ जाएगा। इस टाइप का भी स्केल जो होता है वो डायगोनल स्केल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम लोग डायगोनल से ही बनाएंगे, मतलब 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो हम लोग जब डायगोनल स्केल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वेरिएशन दिखेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है तो सारा वेरिएशन आपको करा दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए कौन कौन से बेसिक चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जैसे कौन कौन से हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है, अगले क्लास से फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो देख लेते हैं पहले इसको रब कर लेते हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्केल, कोई भी स्केल अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो क्वेश्चन में आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन बेसिक दिया हुआ होगा, या फिर वहाँ पर हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा, जनरली वो दिया रहता है, थोड़ा बहुत हो सकता है निकालना पड़ता है तो हम लोग निकाल लेंगे, तो बट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो देख लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा RF होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, RF हम लोग क्वेश्चन में हो सकता है दिया हुआ रहे या फिर कैलकुलेट करना पड़े, वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे मिलेगा, बेसिक जो रहता है क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, और जो थोड़ा सा एडवांस होता है उसमें हमें RF निकालना पड़ता है, तो वो भी हम लोग सीख लेंगे कैसे निकलता है और अगर दिया रहेगा तो कैसे होगा। सेकंड प्लेस में हम लोग देखते हैं क्या क्या यूनिट शो करना है, यूनिट टू बी
शोन, मतलब जो स्केल हम लोग बना रहे हैं उस पर कौन कौन सा यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है शो करना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था प्लेन स्केल का, अगर हो सकता है क्वेश्चन में दे देगा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में स्केल हमें बनाना है, तो यहाँ पर यूनिट टू बी शोन में क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। वो क्वेश्चन में दिया रहता है कौन सा यूनिट आपको शो करना है, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। या फिर क्वेश्चन में हो सकता है किलो और हेक्टो दे देगा, तो यहाँ पर किलो और हेक्टो लिखा जाएगा। या क्वेश्चन में आपको डेसी और सेंटीमीटर में दे देगा, तो डेसी और सेंटी लिखा जाएगा। कौन कौन सा यूनिट आपको शो करना है, अगर डायगोनल स्केल है तो यहाँ पर 3 यूनिट लिखा जाएगा, प्लेन स्केल है तो 2 यूनिट हमने लिखा, वो एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो यूनिट टू बी शोन, कौन कौन सा यूनिट शो करना है, वो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएगा। कैसे हम समझेंगे वो अगले क्लास में देख लेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, मतलब जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले स्केल का पेंसिल से ही शीट में अपना लिख लेंगे, जो भी ड्राइंग शीट होगा या ड्राइंग आपके पास स्केच बुक होगा उसमें हम लोग पहले लिख लेंगे। सबसे पहले RF लिख लेंगे, उसके बाद यूनिट टू बी शोन, कौन कौन सा यूनिट हमें शो करना है इक्वल टू, ऐसे करके जो भी यूनिट शो करना होगा वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दिया रहेगा, RF हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पर, या फिर दिया रहेगा तो राइट ही लिख लेंगे, और अगर अदरवाइज कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वैसा स्केल हमें बनाना है जो मैक्सिमम अप टू मेजर करे, या लॉन्ग इनफ टू 6 मीटर, लॉन्ग इनफ टू 100 मीटर, लॉन्ग इनफ टू 1000 मीटर, वो भी क्वेश्चन में ये डेटा हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, इसलिए जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पर 60 मीटर दिया हुआ है कि वैसा स्केल हमें बनाना है जो मैक्सिमम 60 मीटर मेजर कर ले, RF कुछ भी दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहता है RF। अब ये फोर्थ नंबर का जो डेटा है वो हमें निकालना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF into मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल है, RF का वैल्यू दिया हुआ है, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ RF का वैल्यू यहाँ पर है 600 है, RF का वैल्यू 600 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो कम भी हो, वो आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल, मतलब जो भी स्केल हमें जो बोर्ड पर या फिर हम लोग ड्राइंग शीट पर लाइन ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ यहाँ पर इसी से निकलता है, लेंथ ऑफ स्केल से। तो लेंथ ऑफ स्केल जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं उसका सेंटीमीटर में क्या स्केल होगा या इंच में क्या स्केल होगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ही हमारा दिया हुआ मीटर है, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे RF का वैल्यू, कैसे वो होगा वो अगले क्लास में हम लोग डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम्पल से देखकर समझा रहा हूँ, 600 इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे दिया हुआ मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल 60, तो 60 मीटर में है, तो मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, इंटू यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 10, तो यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया। मतलब जो स्केल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं कॉपी में, वो अपने पास जो स्केल होगा रोलर स्केल हो या मिनी ड्राफ्टर हो, उसके उसमें हम लोग 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आगे क्या प्रोसेस है वो हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे, जब प्लेन स्केल का प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ सीख लेंगे। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट RF चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सेकेंड यूनिट टू बी शोन, कौन सा यूनिट इसमें हमें बनाना है, कौन सा स्केल जो हम लोग बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा यूनिट शो करना है, क्वेश्चन देखकर हम लोग समझ लेंगे। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन ऑलरेडी दिया रहेगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 60 मीटर का मैंने एज्यूम किया, यहाँ पर 1/600 एज्यूम किया, कुछ भी दिया रहेगा डेटा वहाँ पर, और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लेंथ ऑफ स्केल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल होता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन में दिया रहेगा, RF भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों को कैलकुलेट, दोनों से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन में मीटर में मेट्रिक वाले टर्म में दिया रहेगा, मतलब मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टोमीटर में दिया रहेगा, तब हम लोग यहाँ पर हमेशा लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालते हैं, और जब भी यार्ड में, इंच में, फरलांग में, मिल्स में दिया रहेगा तब हम लोग वहाँ पर इंचेस में निकालेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में ही सीख लेंगे कैसे निकलता है, अगले क्लास में सारी डिटेल में देखेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के, ये एक तरह का थ्योरी लेक्चर था, अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल, मतलब जो भी इसका ड्राइंग का पोर्शन है वो शुरू करेंगे, तब हमारा ज़्यादा जो क्लियर होगा। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आपका जैसे ही हम लोग अगले क्लास में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हम लोग कोई भी स्केल को ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से अपना प्लेन स्केल का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी अपना ये चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भी अपना चैनल बना हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, उसके लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप
उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी अपना पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तभी आपका आगे का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व इजिली हो पाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑलरेडी सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड करके एक PDF बना दिया गया है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो वहाँ पर क्लिक करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस चैनल से आप बेनिफिट ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप इसको कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं इसके ग्रोथ के लिए, तो आप paykun.in का एक लिंक है नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, paykun.in का, उस पर क्लिक करके आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपको खुशी से देना चाहे आप दे सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। कहीं भी आप कोचिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अमाउंट देना पड़ता है, उसका 1% 2% भी आप दे देंगे तो चीज़ों को काफ़ी इजीली यहाँ पर ग्रोथ किया जा सकता है और बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर और इंक्लूड की जा सकती है। तो वीडियो के यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।